काफी एक्टिव है। और आप देखिए सिद्धराम में चार मारेंगे, बीएसएफ ने एक मारा है और कल परसों ये दो और मारे हैं बॉर्डर पे, तो हम भी तो मारते मारते थक गए ना, मारते मारते आप बेचते बेचते नहीं थक रहे? क्योंकि एक तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मुल्क में आटे का बहरान है, आटे की कीमतें कहीं पर आज 3,000 तो कहीं पर 3,500 रुपए थी। अफरा तफरी, आटा आटा ही नहीं है मार्केट में, आपके पास खुदाना खासा सिरिंजेस का जहाँ पे आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जो गलतियां हमने की, द मिस्टेक्स वी मेड, आपको नहीं लगता कि अब हमने बहुत वो सफर तय कर लिया? नहीं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप यूएई और सऊदी अरब में पैसे नहीं देंगे? दुनिया इज नॉट अ फूल ना, नोबडी इज अ फूल, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। अभी आपकी इकोनॉमी को इंडिया से बिजनेस की जरूरत है, जैसे चाइना को जरूरत है। 21 दिन के पैसे हैं आपके पास, 21 दिन के बाद आप ऑलरेडी एलसीज टेक्निकल डिफॉल्ट। 75 बरस से गुलामी में है हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में है हम। और हालात ये है कि मीरपुर खास में भगदड़ मच जाने की वजह से 7 बच्चों का बाप, जिसमें से 6 बेटियां हैं, वो जो है वो जान भाग हो गया। कल एक वाकया हुआ जहाँ पे एक बंदे की आटे की स्कूल के लिए उसकी मतलब वो जान से गया। वो जो ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आज के पंजाब में ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, और उसे ये लगता है कि अगले शायद 7 से 8 दिन जो है वो उसके पास कोई पैसा ना बचे और उसके लिए खाने का कोई सामान मौजूद ना हो। आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? सुमन भाई, सुनने में आ रहा था कि मौला जैट इंडिया में रिलीज हो रही थी और ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते, तो और एट द 11th आवर इंडिया में ये ड्रॉप होगी। आप क्या समझते हैं, इंडियन आवाम तो सुना नापसंद कर रही थी, लेकिन क्या सरकार ने प्रेशर डाला, मीडिया ने प्रेशर डाला, क्या हुआ? आप क्या समझते हैं, क्या ये इस तरह जो है वो इतनी अच्छी मूवी जो है उसको बैन होना चाहिए था, ये उतार देनी चाहिए थी? हमारे यहाँ तो पिक्चरों का 500 करोड़ करना कोई आम सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत पिक्चरें इस क्लब में और बहुत पिक्चरें बन रही इस क्लब में आएंगी, सब टेंशन ना करें। इंडिया का जो सिनेमा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए जीवा साहब, 1965 में आपने हिंदुस्तान की पिक्चरों पे पाबंदी लगाई थी ऑफिशियल, 1965 पाकिस्तान। अब आपको बोला हमने 1950 में किया था, आपसे भी 15 साल पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ICCR। ICCR अभी जो हेड है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धि है और ये 150 कंट्रियों से ज्यादा डायरेक्टली इंडायरेक्टली प्रेजेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इनके कल्चर को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट वीजा देना, सिटीजनशिप देना, चीजों का आदान प्रदान करना, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। और आप ये भी जानते होंगे अब वो मतलब पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे पहले, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पिछले 72 सालों से हम दुनिया से अपने कल्चरल ताल्लुक बना रहे हैं। लंडन के चैप्टर के हेड फेमस राइटर अमीश, ये मतलब अमीर जी मित्र है तो अच्छी इससे जान पहचान है उनकी थोड़ी, कहने का मतलब ये है इंडिया का कल्चरल रीच आउट तो 72 साल पुराना है सर और 150 से ज्यादा कंट्रियों में है, पर आपकी कंट्री थोड़ी निराली है। आप तो वो आपके शरीफ लोग कुछ ज्यादा रहते हैं ये एनजीओ चलाने वाले। अभी देखिए सिंधरा पे अटैक हुआ, राजौरी पे अटैक हुआ, ये अटैक चलते रहेंगे तो ऐसे में तो रेड नहीं हो सकता। और आप तो आपने एक और बात कही जी, आपको लगा आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए थे, इंडिया से 100 करोड़ और निकाल लेंगे, उन 100 करोड़ का होना क्या, वो फिर बम बारूद में तब्दील होकर यही आ जाना। वो जो ड्रोन उड़ा रहे हैं वो जो आज के पंजाब में ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, ये चीजें हो रही है। तो आपको कैसे लगा, मुझे जरा कम्प्लीट करें, आपको कैसे लगा कि यहाँ की आवाम आपके जो ऐसे इरादे हैं, ऐसे खतरनाक और खूनी इरादे, इनको कामयाब होने देगी? अरे 130 करोड़ लोग का देश है, कैसे कामयाब होने देंगे आपके इरादों को? और ये आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल देखिए मैं समझाता हूँ आपको, आपकी फिल्म बनेगी, ओवरसीज कलेक्शन होगी, कलेक्शन होगा तो टैक्स जाएगा तो खजाने में गवर्नमेंट के पैसे जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने से तो ड्रोन वोन आते हैं ना भाई, वो कोई घर में तो बनाता नहीं। आप AK-47 या RPG ग्रेनेड ग्रेन ये किसी के घर में तो बनते नहीं ना। आपकी आर्मी आपका ISI का स्ट्रेंथन होगा, आपकी ISI और काम करेगी, आपकी आर्मी और बैटरी बनाएगी, लॉन्च पैड बनाएगी, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाएगी उसके ऊपर। मतलब अगर आपके मतलब मान लीजिए, क्योंकि क्या हम आपको
अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे भेज दें। आप तो वो कह रहे हो कि भाई तुम जैसा कोई बेवकूफ नहीं, तुम अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे मुझे दिलवा दो, इसके सामने मैं पिक्चर रखूंगा। नहीं तो ये तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत को बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई रास्ते नहीं खोलने चाहिए, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर कभी जिंदगी में मौका है डायलॉग का या चीजें आगे बेहतर करने का तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे अगर कारोबार होगा तो इससे पाकिस्तान असला खरीदेगा आइडिया के लिए। देखिए मैं आता हूँ, देखिए जो अभी की परिस्थिति है शिवा साहब, जब तक आप ये टेररिज्म की दुकान बंद नहीं करते तब तक तो स्टेटस को ना, तब तक कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब तक तो कुछ हो भी नहीं रहा, ना होना चाहिए ना हो रहा है ना होगा। तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ स्टेटेड पॉलिसी। आप ये टेररिज्म बंद